उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने प्रदेश में नई सेब नीति बनाई है। इसमें 8 साल में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की अति सघन बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। हमारा लक्ष्य है, हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएं। कि हमारे जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मौका मिलने पर आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। प्रदेश में सेब क्रांति को सफल बनाने के लिए कोकोकोला कंपनी और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ इस कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रहे सभी हमारे किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस कार्य को संभव बनाया है। भाई बहनों, मुझे आज चंपावत में 100 बच्चे खाने के आपके इस विशिष्ट कार्य को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं तो मैं बड़ा गदगद हूं कि हमारे 100 बगीचे यहाँ लग चुके हैं और मुझे यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत चंपावत में हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीकी से 100 सेब के बगान लगाए गए थे, जो मात्र 20 महीनों में ही फलों का उत्पादन करने लगे।